हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी एंड आर्ट्स ड्राइंग में आप सभी का स्वागत है। मैं एक और कार्ड बनाने जा रही हूँ। इस तरीके से आप बर्थडे कार्ड अपने बना सकते हैं, पर ये मेरे पास डिमांड थी कि टीचर डे का ही बनाऊं, तो इसलिए मैंने ये इसका बनाया है टीचर डे के लिए। तो आप 3 पेपर ले लीजिएगा जो आपको पसंद हैं, और उनमें से मेक श्योर कि आपके पास जो रेड कलर का होगा वो आप सिर्फ हर्टिंग हर्ट बनाने के लिए ही रखें। आप अपने फेवरेट 2 कलर लेकर उनमें से कार्ड बना सकते हैं। तो मैंने स्काई ब्लू पेपर का कार्ड बनाने का सोचा है, और पिंक कलर को अंदर अटैच करूँगी। मैंने उसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है, उसके बाद पिंक कलर को अंदर अटैच कर रही हूँ फेविक स्टिक से। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं अटैच कर रही हूँ फेविक स्टिक को। चारों तरफ अच्छे से लगा लें, उसके बाद पेपर को उसके ऊपर रख के अच्छे से पेस्ट कर दें, ताकि ये बिल्कुल भी इधर उधर ना जाए, अच्छे से पेस्ट हो जाए। और मैंने इसको एक से पाँच सेकंड के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ इस तरीके का दिखेगा, और अब आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए मैं दिल का आकार बनाओ और अच्छे से उसको कट कर लो इस तरीके से, एक पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। इस तरीके से मैंने साइज़ के बड़े से लेके छोटे तक बनाए और उनको अच्छे से कट कर लिया प्रॉपरली। आप कटिंग के लिए, मैं बार बार बताती हूँ कि अगर आप छोटे हैं, अगर आपको फिनिशिंग से कट करना नहीं आता है, तो आप घर में किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, खुद से कट ना करें। अगर आपको सीज़र अच्छे से चलानी आती है तो आप तभी इसको कट करें। और ये कट करने के बाद आप इनको फेवी स्टिक से अच्छे से पेस्ट कर देंगे, जिस तरीके से मैं करूँगी। पहले मैं बड़ा साइज़ ऊपर, उससे छोटा नीचे, उससे छोटा, इस तरीके से मैं सीक्वेंस में इनको लगाऊंगी, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे। आप इस तरीके से मेरी तरह देखकर इनको स्टिक कर सकते हैं, और ये बर्थडे कार्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, का आप बर्थडे कार्ड बना सकते हैं, लेकिन मेरा ये डिमांड के ऊपर था, तो मैंने ये टीचर डे कार्ड ही बनाया है। तो इस तरीके से बहुत सुंदर लगेगा, आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अब मैं दूसरी कटिंग के लिए रेडी हूँ। अब मैंने बटरफ्लाई का पेपर लिया है पिंक कलर का, मैंने बटरफ्लाई का साइज़ में उसको कट कर लिया है। एक बड़ी बटरफ्लाई और एक छोटी, इस तरीके से आपको कट कर लेनी है। कट करने के बाद कार्ड के ऊपर अच्छे से स्टिक कर देनी है। दोनों बटरफ्लाई को, याद रखें, एक के ऊपर एक कलर ऐसे लगना चाहिए कि हाँ ये एकदम उड़ रही है। इस तरीके से मैंने इनको लगाया है, स्टिक किया है, और बहुत ही इजीली ये बन जाता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है बनने के बाद प्रॉपर। अब हम इस पर कुछ भी डेकोरेट करने के बाद इसको प्रॉपर हम लिख सकते हैं, इस पर राइटिंग कर सकते हैं जो हमें पसंद है। पहले मैंने स्माइलिंग बना दिया है, और अब मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ हैप्पी टीचर्स डे। इस तरीके से आप भी हैप्पी बर्थडे फ्रेंड, हैप्पी बर्थडे कार्ड, हैप्पी बर्थडे मैम, किसी भी तरीके से, मतलब आप जिसके लिए भी बनाना चाहते हैं इजीली बना सकते हैं। मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ के बॉर्डर को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। आप अपने फेवरेट कलर का चुनाव करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये कार्ड सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई सफलता हासिल नहीं हो रही है। मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं और ना ही मेरी व्यूज़ आ रहे हैं अच्छे। तो प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से अच्छे शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि मेरे थोड़े बहुत व्यूज़ भी बढ़ सकें। और मैंने अंदर इसमें स्टिक करने के बाद प्रॉपरली लिख दिया है। आप कोई भी थॉट गूगल से ले सकते हैं, या फिर जो आपके माइंड में है आप वो ले सकते हैं। इस तरीके से मैंने थॉट भी लिख दिया है एज ए डिमांड, जो भी था। ए गुड टीचर इज़ ए लाइक ए कैंडल एज कंज्यूम इट सेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर्स। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे का कार्ड फाइनली अब रेडी हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यह फाइनल लुक कैसा लगता है पीछे। हाँ, और पीछे लिखना बिल्कुल भी मत भूलेगा कि यह कार्ड किसने दिया है आपको, या फिर ये चीज़ रहेगी। तो इस तरीके से फाइनली ये हो चुका है। अगर आपके वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये कार्ड, बिल्कुल रेडीमेड लग रहा है। अगर आपको पसंद आता है प्लीज़।